हेलो नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। अभी हमारे सामने लगी है 2023 ग्लैमर। अब बोलोगे ग्लैमर तो बिल्कुल पुरानी जैसे दिख रही है, जैसे पहले आती थी, तो थीम बिल्कुल पुराना ही इन्होंने रख रखा है, बट कुछ अपडेट के साथ कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को लॉन्च की है। तो वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या कुछ अपडेट आया है। अगर कायदे से देखा जाए तो इसमें आपको दो ही मॉडल देखने को मिलते हैं, एक डिस्क आती है जो कि हमारे सामने लगी है, और एक ड्रम वेरिएंट आता है। वैसे तो इसमें 6 वेरिएंट है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है अगर हम कंसीडर करें ना शॉर्टली, तो इसमें आपको ड्रम और डिस्क ही देखने को मिलता है। जिसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो अगर आप डिस्क में जाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 87,000 रुपीज़ एक शोरूम, वही अगर आप ड्रम में जाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 83,000 रुपीज़ एक शोरूम। तो 4-5,000 का ही जो फ़र्क आया है बस डिस्क ड्रम में। और इसमें कलर की बात करें तो इसमें तो ऐसे 9 कलर ऑप्शन है, बट अभी हमारे सामने 3 है। जैसे कि हमारे सामने देख रहे हो ब्लैक के साथ ब्लू है, एक कम्प्लीटली रेड आती है, और एक ब्लैक के साथ रेड एक्सेंट का थीम आता है जो कि अभी हमारे सामने आप देख रहे होगे। तो शुरुआत करते हैं सारी चीज़ें फ्रंट से। तो फ्रंट से अगर आप देखोगे तो जैसे पहले ग्लैमर आपने देख रखे थे बिल्कुल वैसे ही, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं। यहाँ पे हीरो का लोगो है, यहाँ पे पार्किंग लैंप है, यहाँ पे आपको हेडलाइट होगी जो कि कन्वेंशनल में है, हेलोजन टाइप, कोई भी एलईडी इंडिकेटर आपको नहीं है। यहाँ पे बल्ब टाइप का इन्होंने इंडिकेटर दे रखा है, मैं आपको चालू करके भी एक बार दिखा देता हूँ। ये बल्ब टाइप का इन्होंने इंडिकेटर दे रखा है। यहाँ पे आपको बाइबर के कैलिपर देखने को मिलते हैं, जिसकी डिस्क की बाइट बढ़िया है। टायर साइज की बात करें 80, 100, 18 इंच के आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। और जो एलॉय का जो डिज़ाइन है ना गाइस, ये आपको ग्लैमर एक्सटेक से लिया गया है। तो पहले मैं क्या था, सीधा आते थे, बट अब ये थोड़े स्टाइलिश आ गए, तो ये एक्सटेक से आपको ये चीज़ ली गई है। और क्या एक्सटेक से ली गई है, जो साइलेंसर का जो डिज़ाइन है, चाहे कैटली कन्वर्टर का, ये चीज़ एक्सटेक से आई है। ये जो पैटर्न है आपका, ये भी एक्सटेक से ही लिया गया है। एक्सटेक में क्या था, ये चीज़ ब्लैकआउट में रहती थी, बट इसमें आपको ये चीज़ क्रोम में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बात करें तो प्रोग्राम FI है, और यहाँ पे बात करें हीरो की ब्रांडिंग है, ICS की ब्रांडिंग है। इंजन की बात करें तो 125 सीसी का इंजन है, जैसा पहले आता था 10.6 BHP 10.7 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क निकाल के देता है। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है आपका। वही अगर हम पीछे की ब्रेक्स की बात करें तो आपको पीछे में ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, लेकिन फ़ायदा एक किया है कि जैसे आप पीछे के ब्रेक्स लगाओगे ना तो थोड़े परसेंट ब्रेक आपके आगे भी लगते हैं, जिससे स्किड वगैरह के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और यहाँ पे ब्रेक फील्ड बनने के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे बात करें तो आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलती है जो कि पहले नहीं थी। यहाँ पे I3S के आपको यहाँ पे स्टिकर देखने को मिलता है। और बात करें तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको डक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी थोड़े बहुत आपको डक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। टैंक में बात करें तो यहाँ पे ग्लैमर के आपको यहाँ पे ब्रांडिंग कंपनी करके देती है 3D में। सीट की कुशनिंग बढ़िया है, मैं तो कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, दो लोग आराम से बैठ जाएंगे इसमें। पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको टेल लैंप रखा गया, ये चीज़ मैं आपको जला के भी दिखा दूंगा। पीछे टायर सेक्शन की हम बात करें तो 180/18 इंच का आपको यहाँ पे टायर देखने को मिलते हैं। वही साइड प्रोफाइल से बात करें अगर इधर से, तो यहाँ पे आपको कंपनी ने साड़ी गार्ड इंस्टॉल करके दिया पहले से ही। बात करें ये जो चेन कवर, ये चीज़ आपकी प्लास्टिक में है, और ये चीज़ आपको यहाँ पे रबर टाइप का इन्होंने थोड़ा सा दे रखा है, ये चीज़ आपकी फाइबर में हो गई। और यहाँ बात करें तो 5 स्पीड गियर है इस गाड़ी में, एक आगे बाकी 4 पीछे लगेंगे। और वहीं यहाँ पे बात करें तो साइड स्टैंड इंजन कटअप का फीचर भी दे रखा है इन्होंने, जैसे साइड स्टैंड वगैरह लगे रहेगी तो गाड़ी आपकी चालू नहीं होगी। माइलेज की बात करें इसकी, तो कंपनी तो 63 क्लेम कर रही है, बट रियल लाइफ में आपको 50-55 ये गाड़ी निकाल के देगी 10 लीटर के फ्यूल टैंक से। अब आपको चेंज समझ में आ रही होगी कि चेंज क्या हुई। सबसे पहले चीज़ तो अलॉय व्हील में आप देख रहे हो कि जो एक्सटेक से डिज़ाइन ले लिया गया, जो साइलेंसर की डिज़ाइन थी वो थोड़े आपको एक्सटेक से ली गई, यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट आपको अप्लाई की गई है। और सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे आपको 820 देखने को मिला है, यानी BS6 फेज 2 या BS7 भी कह सकते हो। तो जो भी क्राइटेरिया थी अब ये इंजन फुलफिल करके दे रही, काफ़ी रिफाइन हो गई है पहले से, मैं तो कहूँगा। यहाँ पे 5 साइड के बटन है, यहाँ पे सारे हाई बीम लो बीम हॉर्न इंडिकेटर, तो यहाँ पे I3S का वो बटन देखने को मिलता है। अगर हम ट्रैफिक वगैरह रहते हैं तो गाड़ी ज़्यादा देर आइडलिंग पर रहती है तो गाड़ी खुद ही इंजन कट ऑफ हो जाएगा, और जैसे आप क्लच वगैरह लोगे तो गाड़ी आपकी फिर से चालू हो जाएगी। तो एक तरह से ये माइलेज को बढ़ाता है हमारा। यहाँ पे कंपनी ने आपको USB टाइप चार्जिंग पॉड दी है जो कि हेल्प करेगा आपको लॉन्ग टूर में, अगर आप सफ़र करते हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि फ़ोन डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है। यहाँ पे बात करें तो कम्प्लीटली LCD मीटर आ गया यहाँ पे डिजिटल टाइप का, जो कि पहले नहीं देखने को मिलता था। यहाँ पे क्या कुछ है एक बार आप इसे चेक कर लो, तो यहाँ पे फ्यूल शो होगा, यहाँ पे आपको 1 किलोमीटर पर लीटर यानी एवरेज शो होगा, यहाँ पे चेक लाइट का बटन है, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो ये लाइट हमारे यहाँ पे ब्लिंक कर जाएगी। इंडिकेटर है यहाँ पे, हाई बीम का यहाँ पे बटन, यहाँ पे लाइट दे रखा है इन्होंने। मोड्स वगैरह में जाते हैं, ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, ओडोमीटर गाड़ी कितनी चली, और यहाँ पे आपको स्पीड शो होगा। बस यही कुछ बेसिक से फीचर कंपनी ने यहाँ पे ऐड किए हैं। और थोड़ा हैंडल बार भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट देखने को हमें ये मिलता है। एक बार मैं आपको गाड़ी की एग्जॉस्ट साउंड चेक करा देता हूँ।
आपको ग्लैमर 2023 कैसे लगी एक बार कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, और जब भी बाइक चलाएं हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, कार ड्राइविंग दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तब तक के लिए सेफ राइड करें, सेफ जर्नी करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।